नमस्कार दोस्तों, बेंगलोर रोज ओनियन अभी चर्चा में है, न्यूज़ में चल रहा है। इस वजह से यह वीडियो बेंगलोर रोज ओनियंस के लिए डेडिकेटेड है और इस वीडियो में हम जानेंगे बेंगलोर रोज ओनियंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण फैक्ट्स, इसका जीआई टैग स्टेटस, जीआई टैग के विषय में महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और इसका एक्सपोर्ट स्टेटस। साथ में हम जानेंगे भारत सरकार के इम्पोर्टेंट डिसीजंस ओनियन के विषय में और प्रोडक्शन और करेक्टरिस्टिक्स के विषय में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहें। और मैं कपिल मित्तल आपका हमारे चैनल कॉम्पिटिशन टाइम्स पे स्वागत करता हूँ। चलिए जानते हैं बेंगलोर रोज ओनियंस क्या है और इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ। दोस्तों, ओनियन होती है, ओनियन का जो साइंटिफिक नेम होता है एलियम सेपा होता है। और यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे बेंगलोर रोज ओनियन है, इसकी कुछ यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये जो है, इसमें एक बल्ब होता है, बल्ब मतलब गोलाकार, और इसका बेस जो है ये फ्लैट होता है। यहाँ आप देख रहे होंगे ये फ्लैट बेस, और ये स्फेरिकल होती है। इसका जो कलर है वो डीप स्कारलेट रेड कलर होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है, इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी बात करें तो इसमें एंथोसाइनिन जो है बहुत ज़्यादा होता है, फेनोल्स होते हैं, और ये बहुत ही तीखी होती है, पंजेंसी। ठीक है, इसका टेस्ट जो है बहुत तीव्र होता है और इसकी स्मेल बहुत अधिक होती है। और वजह ये है कि इसमें फॉस्फोरस होता है अधिक मात्रा में, प्रोटीन है, आयरन है, कैरोटिन है। और यहाँ पे जो इसका तीखी स्मेल है, इसी की वजह से जो है ये अचार बनाने के लिए सबसे बेस्ट टाइप की क्या है, प्याज है। चलिए, तो यहाँ पे अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, तो अभी अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो बेंगलोर रोज ओनियन है, इसके एक्सपोर्ट पर जो बैन लगाया हुआ था उसको अभी हटा दिया है और इसके एक्सपोर्ट को मतलब निर्यात को परमिशन दे दी है, निर्यात। ठीक है, और जब निर्यात को परमिशन दी है तो इससे पहले बैन भी किया होगा। और ये बैन क्यों लगाया गया था, बैन लगाने की वजह ये थी कि इस बार क्या है कि जो थोड़ी सी अधिक वर्षा हुई थी रेनी सीजन में, और अधिक वर्षा होने की वजह से जो इसकी फसल है वो ख़राब हो गई, डैमेज हो गई। और डैमेज होने की वजह से जो है पूरे भारत में बहुत सारी जगहों पे जो ये ओनियन है, प्याज है, इसको महाराष्ट्र में और उधर साउथ में कांदा भी बोलते हैं, तो इसकी काफ़ी सारी फसल ख़राब हो गई। और इस वजह से सरकार को ये लगा कि जो है इसके रेट कहीं बहुत ज़्यादा हाई ना हो जाएं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे हुए थे। तो इसी वजह से इसके एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और बैन लगाने का जो पर्पज़ था वो यही था कि इसकी अवेलेबिलिटी यहाँ मार्केट में अच्छे से अवेलेबल रहे और ये जो है इसके रेट बहुत ज़्यादा शूट नहीं करें। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में इशू क्या है, थोड़ा सा और देखते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ ओनियंस टू इंक्रीज इट्स अवेलेबिलिटी इन द कंट्री, दिस हिट एक्सपोर्ट ऑफ बेंगलोर रोज ओनियंस। और सरकार ने जो बैन लगाया था वो ओनियंस पे लगाया था, और ये जो है ये उसकी एक पर्टिकुलर वेराइटी है, बेंगलोर रोज ओनियन। और यहाँ पे हम बेंगलोर रोज ओनियन को क्यों पढ़ रहे हैं, वो इसलिए पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे बाकी जो ओनियन है उसकी घरेलू खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे ये जो बेंगलोर रोज ओनियन है इसकी घरेलू खपत जो है हमारी, घरेलू खपत का मतलब भारत के अंदर जो इसकी खपत है वो बहुत कम है। ये प्योरली एक्सपोर्ट के लिए ही उगाई जाती है और इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है 90% जो है वो हमारा एक्सपोर्ट में जाता है, विदेशों में निर्यात होता है। अब जब निर्यात पर बैन लगा दिया तो क्या होगा, जो किसान निर्यात के लिए उगाते हैं, हाई वैल्यू अच्छी क्वालिटी के सीड्स का प्रयोग करते हैं, तो महंगी पड़ती है, और उन्हें जो है यहाँ पे जब इसकी मार्केट नहीं है तो इसको उन्हें सस्ते में बेचना पड़ा। और सस्ते में कितने में, उनको 6 रुपये केजी तक के रेट में बेचना पड़ा और उनको घाटा जो है उठाना पड़ा। अब यहाँ पे केवल एक बेंगलोर रोज ओनियन ही नहीं, इसके अलावा एक कृष्णापुरम ओनियन भी है, तो ये दोनों को ही यहाँ पे घाटा हुआ है, और मतलब इनके उगाने वाले किसानों को। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो रबी का सीजन है, रबी के सीजन में 80 से 85% जो है बेंगलोर रोज ओनियन जो है उगाई जाती है, बाकी जो है खरीफ के सीजन में 10 से 15% उगाई जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा। अब यहाँ पे देखते हैं एक्सपोर्ट बेंगलोर रोज ओनियंस, तो दीज आर एक्सपोर्टेड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड आर रेयरली यूज्ड इन इंडिया।
एंड दे आर एक्सपोर्टेड। अब ये कहाँ कहाँ पे एक्सपोर्ट होती हैं, ये सिंगापुर जाती है, मलेशिया, इंडोनेशिया, बहरीन, बांग्लादेश और श्रीलंका, तो हमारे पड़ोस के काफ़ी सारे देश हैं उनमें ये एक्सपोर्ट होती है। अब देखते हैं इसकी क्वांटिटी, तो 2010-11 में ये लगभग 22,000 टन जो है बेंगलोर रोज ओनियन का एक्सपोर्ट हुआ था, और वहीं अगर इसका कंपैरिजन करें 2003-04 और 2005 के कंपैरिजन में, तो 2003-04 में जो है 36,000 टन था और 2005 में जो है 32,000 टन था, तो 2010-11 में इसका एक्सपोर्ट बहुत कम हुआ था। और इसी को बेसिकली इसकी वजह ये थी, किसान जो है इसका प्रोडक्शन नहीं कर रहे थे, और इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कर्नाटक सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए, और उन्होंने वहाँ पे कर्नाटक के अंदर जो है एग्री एक्सपोर्ट जोन जो है वो सेट किए, और केंद्र सरकार ने इसको 2015 में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया। ठीक है, जीआई टैग के विषय में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो इस जो कर्नाटक सरकार का जो लक्ष्य था ये सब करने से, उनका लक्ष्य था कि इसका जो प्रोडक्शन है वो पूरे वर्ष में अराउंड 60,000 टन्स पर ईयर हो जाए, तो इसका एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा तो क्या है, रेवेन्यू ज़्यादा मिलेगा और सरकार को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो जीआई टैग है ये क्या होता है, तो बेंगलोर रोज ओनियंस को 2015 में भारत सरकार ने जो है ये जीआई टैग दिया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब ये क्या होता है, जीआई टैग एसेंशियली वर्क्स लाइक अ ट्रेडमार्क, ये ट्रेडमार्क की तरह होता है या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की तरह होता है। जैसे आप अपना कोई बुक लिखते हैं कॉपीराइट होता है, या अपना कोई इन्वेंशन करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। और ये बेसिकली किसी विशेष क्षेत्र को दर्शाता है, किसी प्रोडक्ट की विशेष क्वालिटी को, गुणवत्ता को दर्शाता है, उसकी रेपुटेशन को दर्शाता है, या फिर उसकी कोई विशेष अच्छाई होती है उसको दर्शाता है। जैसे हमारे यहाँ जो है बासमती राइस, बासमती राइस की लंबाई अलग होती है, उसकी खुशबू अलग प्रकार की होती है, और वो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में ही उगाया जाता है, तो उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे हम तिरुपति लड्डू की बात करें तो तिरुपति का जो लड्डू है वो उसको जीआई टैग मिला हुआ है, वो विशेष साइज़ का होता है, उसकी खुशबू टेस्ट वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, और दिस इज़ एज पर द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के नियमों के अनुसार है, और WTO का जो एग्रीमेंट है ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिप्स बोलते हैं इन शॉर्ट। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि जो जीआई टैग जो दिए जाते हैं वो किसी भी प्रोडक्ट को 10 वर्ष के लिए मिलता है, और 10 वर्ष के बाद भी इसको रिन्यू करवाया जा सकता है। ठीक है, और इसका जो पर्पज होता है, तो हम वो देखें कि ये जीआई टैग जो है इम्पोर्टेंट क्यों होता है। बेसिकली होता ये है कि कोई भी क्षेत्र विशेष में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति है या कोई घर है, गांव है, वो वहाँ की विशेष एनवायरनमेंट में, वहाँ की लोकल तालाब या नदी का पानी हो सकता है, वहाँ का जलवायु अलग प्रकार की हो सकती है, और उस क्षेत्र में ही पर्टिकुलर कोई चीज़ बनाता है और वो बहुत फेमस हो जाती है, और फेमस हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और कॉपी करने में होता क्या है, वो वहाँ जैसी गुणवत्ता नहीं आ पाती है, और जब वो गुणवत्ता नहीं आ पाती है तो लोग जनरली उसको दूसरी जगह से जब उसे परचेज करते हैं तो उनको वो पर्टिकुलर टेस्ट फील नहीं हो पाता है, इस वजह से क्या है, वहाँ उसकी जो रेपुटेशन होती है उसको क्षति पहुँचती है। इस वजह से क्या होता है, अगर पर्टिकुलर क्षेत्र के किसी विशेष गुणवत्ता और विशेष क्वालिटी वाली किसी वस्तु को जीआई टैग अगर दे दिया जाता है तो उसकी कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको सेम नाम से कहीं और नहीं बनाया जा सकता बिना उनसे टेक्नोलॉजी और बिना उनसे परमिशन लिए। ठीक है, और जब तक वो इंश्योर नहीं हो जाते लोग जिनको ये जीआई टैग मिला हुआ है, तब तक उसका कोई प्रयोग नहीं कर सकता। तो प्रोडक्ट्स ऑल्सो बिकम सिनोनिमस विद कल्चरल एंड जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, ये एक कल्चर का हिस्सा होती है, और ये कल्चरल आइडेंटिटी होती है, जियोग्राफिकल आइडेंटिटी होती है। जैसे हम बात करें बनारसी सिल्क, जैसे हम बात करें मद्रास सिल्क, ठीक है, तो वही, तो एम्बॉडिंग अ हिस्ट्री ऑफ क्राफ्टमैनशिप, वहाँ के जो कारीगर होते हैं उनकी विशेष कारीगरी की जो कला होती है वो भी इसमें झलकती है, वहाँ के जो लोग होते हैं, सिविलाइजेशन है, तो ये उसका एक हिस्सा होती है।
एंड अ मार्कर ऑफ ऑथेंटिसिटी, ये जो है ये भी बताती है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये आज का सेशन हमारा समाप्त होता है, और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वजह ये है कि हम यहाँ पे अगले वर्ष का जो यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड हम टारगेट कोर्स लेके आने वाले हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, और उसके लिए हम बहुत सारे वीडियो जो हैं कुछ ही दिनों में स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको उन वीडियोस के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहेंगे और आप लाभान्वित होंगे। चलिए यहीं पे आज के सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।